अक्सर पुलिस के कारनामों की चर्चा होती ही रहती है, लेकिन इस बार देहरादून पुलिस ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे हर कोई हैरान है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हो या फिर पुलिस महकमे के तमाम बड़े अधिकारी यह देखकर हैरान है कि आखिर पुलिस को इसकी जरूरत क्या पड़ी। दरअसल मामला ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एम्स में एक महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है। फिर क्या था, पुलिस कर्मियों ने इस पर ऐसी कार्रवाई कर डाली जो कि आज तक नहीं की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ी सरपट उस रास्ते पर दौड़ पड़ी जो इमरजेंसी में मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात यहीं तक नहीं है, जनाब बहादुर पुलिस कर्मियों ने अपनी बोलेरो गाड़ी वार्ड में भी घुसा दी, जहां मरीज इमरजेंसी में मौजूद थे। पुलिस की गाड़ी वार्ड में देखकर मरीजों में हड़कंप मच गया। सीन कुछ ऐसा नजर आ रहा था मानो एम्स में कोई खतरनाक मुजरिम घुस गया हो। बहरहाल पुलिस की इस कार्यशैली की चर्चा खूब हो रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस पर असहज नजर आ रहे हैं। और एम्स की जो समस्या है, उस स्थानीय जो पुलिस है आप उनसे बात कर लीजिएगा। मेरे को जहाँ तक जानकारी है उसमें पुलिस जो है उनको पुलिस की टीम गई थी और जो शिकायत थी एम्स वालों की उसको डील करने के लिए गई थी। उसमें कोई मेरे को इसके बारे में कोई और जानकारी अभी दी नहीं गई है, अब लोग देख लेंगे इसको।